आगामी पंचायत चुनावों को लेकर संबल पुलिस अलर्ट, नवनिर्मित चौकी का लोकार्पण। जनपद संबल के पुलिस कप्तान चक्रेश मिश्रा ने पंचायत चुनावों के मद्देनजर थाना स्पोली में नवीन पुलिस चौकी मंसूरपुर का किया लोकार्पण। पुलिस कप्तान चक्रेश मिश्रा ने कहा कि यहां से अमरोहा मुरादाबाद बॉर्डर क्रॉस होते हैं, इसके मद्देनजर यहाँ चौकी की स्थापना की गई है, जिससे कानून व्यवस्था कायम रहे, कोई भी असामाजिक तत्व व्यवस्था में सेंध न लगा सके। पुलिस कप्तान ने पब्लिक से अपील करते हुए कहा कि आप भी अपना सहयोग करें, किसी तरह से समाज में कोई गलत भ्रमित अफवाह फैलाता है तो तुरंत पुलिस का सहयोग करें। कोरोना का असर यूपी में भी दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ चेहरे पर मास्क भी लगाएं और बहुत जल्द वैक्सीन भी लगाई जाएगी। किसी भी तरह की कोई अफवाह में ना आए और पूरी तरह से शासन प्रशासन का सहयोग करें। यहाँ पर अभी चौकी का निर्माण किया गया है, क्या कानून व्यवस्था और चुनाव आ रहे हैं उसके मद्देनजर कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्या सहयोग किया सर? इस चौकी के खुलने से यहाँ का जो अपराध था, ये एक्चुअली क्या है कि संभल और अमरोहा का बॉर्डर होता है ये सारा क्षेत्र जो है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गौकशी हुआ करती थी जो पुलिस ने बहुत कंट्रोल की है। पुलिस चौकी खुलने के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा अपराधों पर कंट्रोल हो जाएगा और पब्लिक को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जो लोग थाने तक जाते थे उनको जाने में टाइम नहीं लगेगा, अपनी समस्या यहाँ पर ही हल करेंगे, और रोड की चौकी है काफ़ी जो है सहारन मिल जाएगी। पब्लिक का सहयोग आप लोग क्या रहा और आगे क्या करेंगे इस तरह से? जी हमारा पब्लिक का सहयोग जो है पुलिस के साथ हमेशा बना रहता है, क्राइम के खिलाफ रहते हैं और अभी भी है, आगे भी बना रहेगा। ठीक, थैंक यू सर। जिस तरह से कानून व्यवस्था को देखते हुए ग्राम पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं, उसमें पूरी तरह पुलिस अलर्ट है। आज नई चौकी का उद्घाटन किया गया सर, क्या क्या टारगेट रहा और कैसे पुलिस उस पर कंट्रोल करेगी सर आगे? ये असमौली थाने के अंतर्गत मंसूरपुर नामक स्थान पर एक पुलिस चौकी का उद्घाटन आज किया जा रहा है। ये जनता को समर्पित की जा रही है, ये जनता के ही सहयोग से बनाई गई है, और इसमें मुझे ये कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ, आम जनता में पुलिस को लेकर बहुत अच्छी भावनाएं हैं। इसके लिए मैं लोगों को धन्यवाद देता हूं। तथा यहां पर चूंकि जनपद के एकदम किनारे का हिस्सा है, यहां पर अपराधियों की भी कई बार आवाजाही रहती है, ये रोड भी अभी तक सुनसान था, तो इस पर अच्छी पेट्रोलिंग यहां पर अच्छे से पुलिस की व्यवस्था करने के लिए ये चौकी काफ़ी कारगर सिद्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है। पंचायत चुनाव को लेकर भी मेरा सभी लोगों से अपील है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए इसमें आगे की कार्यवाही जारी रखें। थैंक यू सर।